प्रतिवर्ष बैसाख माह में गंगा सप्तमी और ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दोनों पर्वों का ही अलग अलग महत्व है। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में उतरी थी तथा इसके बाद गंगा दशहरा को धरती पर उनका अवतरण हुआ था। वर्ष 2023 में गंगा दशहरा पर्व दिन मंगलवार 30 मई 2023 को मनाया जाएगा। इस बार हस्त नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। लेकिन आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को दशहरा कहते हैं। इसमें स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए यह महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। श्री गंगा दशहरा पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन अवसरों पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा जल को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग पूजा पाठ में सबसे अधिक किया जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा वह समय होता है जब माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जबकि गंगा जयंती या गंगा सप्तमी वह दिन होता है जब गंगा का पुनः धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तथा मोक्षदायिनी माँ गंगा का पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता अनुसार गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 30 मई 2023 दिन मंगलवार को है। पूजा का समय ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का प्रारंभ सोमवार 29 मई 2023 को 11:49 AM से, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का समापन मंगलवार 30 मई 2023 को 1:07 PM पर होगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 30 मई 2023 को 4:29 AM से 31 मई 2023 को 6 AM तक रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।